नाम है सत्ता की सजदारी। दोस्तों सत्ता की सजदारी के बारे में जानने से पहले आपको सत्ता का मतलब कोई जानता है तो बताना चाहिए बताइए। तो सत्ता का मतलब आपने सुना होगा कि जिसमें है क्या कि राज्य को चलाना, मतलब सत्ता को चलाना। और सत्ता को चलाने के लिए अनेक नेताएं भी आते हैं, जैसे आपने देखा जिसके पास पावर होती है उसको उसको क्या सत्ता वो चलाता है। जैसे अभी मतलब है क्या कि राज्य में राज्य सरकार चलाती है, केंद्र में केंद्र सरकार चलाती है, ठीक है। सत्ता चलाने के लिए अलग अलग होती है। तो अब है क्या दोस्तों कि आप ऐसा नहीं होता है कि मतलब एक धर्म के लोग चलाएंगे, तो है क्या एक धर्म के चलाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर जो सत्ता है उसमें सजदारी नहीं हो पाएगी, वहाँ पर दूसरे धर्म को फिर दिक्कत आने लगेगा। तो है क्या इसलिए क्या कहता है कि मतलब सारे धर्मों को मानकर, सारे चीज़ों को एक साथ लेकर, सारे भाषाओं को एक साथ लेकर क्या किया जाता है कि सत्ता को चलाया जाता है, और इसी चीज़ को सत्ता की सजदारी कहा जाती है। जैसे कि आप सत्ता की सजदारी को आप एक क्लास रूम की तरह से समझ सकते हैं कि आपका है कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। तो आप कहेंगे क्लास में आप देखेंगे कि मतलब बहुत सारे धर्मों के लोग आते हैं, तो वहाँ पर है क्या कि सिख धर्म के भी लोग आते हैं, मुस्लिम धर्म के भी लोग आते हैं, इस्लाम धर्म के भी आते हैं, मौ धर्म के आते हैं, जैन धर्म के आते हैं। तो उस क्लास में अनेकों धर्म के लोग आते हैं, हिंदू धर्म के भी लोग आते हैं, ठीक है, मुस्लिम धर्म के भी लोग आते हैं। तो लेकिन जो टीचर होता है वो दोनों की बात मानता है, ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम धर्म का है तो मुस्लिम धर्म का ही बात मानेगा, बल्कि आपको हिंदू धर्म का ही बात मानेगा, मतलब दोनों की बातों को मानेगा। तो इसी को बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। मतलब क्या, दोनों की बातों को माना, मतलब मुस्लिम धर्म ने जब कहा कि कोचिंग बंद कर दीजिए सर ये मेरा पर्व है, तो फिर उसने क्या किया, बंद कर दिया। फिर हिंदू धर्म ने कहा कि सर ये मेरा पर्व है बंद कर दीजिए, उसने भी बंद कर दिया। और फिर मतलब तो इसे कहते हैं सत्ता की साझेदारी, ठीक है। मतलब जो नेता होते हैं जो चलाने की कोशिश करते हैं, अगर देश को वास्तव में अच्छा चलाया जा रहा है तो सत्ता की साझेदारी होनी ज़रूरी है, मतलब सारे की बातों को मानकर चलना चाहिए। और ऐसा ही इंडिया में हमारा सत्ता की साझेदारी है, मतलब सारे की बातों को मानकर चला जाता है। दोस्तों सत्ता की साझेदारी का मतलब आपको और पूरा डिटेल में समझने के लिए, पूरा ये सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए आपको मैं आपको मतलब है क्या कि सबसे पहले मैं आपको बेल्जियम की बात बताऊंगा, बेल्जियम से थोड़ा बहुत सीखेंगे। और बेल्जियम के बाद आप दोस्तों जब आप श्रीलंका के बारे में जानेंगे तो उसमें आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सत्ता की साझेदारी जो है क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हम एक देखते हैं बेल्जियम एक समुदाय है या बेल्जियम एक देश है, ठीक है। जैसा कि आप देखिए बेल्जियम, तो बेल्जियम एक देश है जिसमें आपका है क्या जिससे बहुत सारा तो देश है। और बेल्जियम जो है यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम क्या है, तो एक यूरोप महाद्वीप का क्या दोस्तों, छोटा सा देश है। यूरोपीय महाद्वीप का क्या है, तो छोटा सा देश है, जो क्या है कि हमारे भारत राज्य में जो हरियाणा है उससे भी छोटा है, हरियाणा राज्य से भी क्या है तो छोटा है, ठीक है, ऐसे लेस देन मतलब क्या दोस्तों, छोटा है। तो है क्या जो बेल्जियम है, पहली बात आपको ये याद रखना है कि बेल्जियम जो है यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। क्या है, यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, जो क्या है कि हरियाणा राज्य, हमारा जो देश है हरियाणा राज्य से भी क्या है छोटा है। तो याद रखा आपको बेल्जियम जो है यूरोपीय महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, जो हमारे राज्य हरियाणा से भी क्या है छोटा है, ठीक। अब है कि इसकी आबादी की बात करें तो इसका आबादी जो है एक करोड़ से ज्यादा है ज्यादा है, मतलब हरियाणा की आबादी से कम, हरियाणा की आबादी दोस्तों 2 करोड़ है, लगभग कितने 2 करोड़। तो है क्या कि आपका जो आबादी मैंने बताया बेल्जियम की, पूरे बेल्जियम की, तो कितना है 1 करोड़ से ज्यादा है, थोड़ा सा 1 करोड़ से क्या दोस्तों ज्यादा है। और मैंने पहली बात तो क्या बताया कि यूरोपीय महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जो हरियाणा से छोटा है, और इसकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। दो बातें आप समझ गए होंगे, पहली बात आपने ये देखा कि यूरोपीय महाद्वीप का एक छोटा सा देश है और जो कि हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है, और फिर आपको मैंने बताया कि इसकी आबादी कितनी है 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन हरियाणा की आबादी कितनी है 2 करोड़। अब है क्या जैसे जो बेल्जियम समुदाय में ही कि एक फ्लेसिस एरिया, ठीक है, क्या है दोस्तों, फ्लेसिस एरिया है या फ्लेसिस क्षेत्र है। इस क्षेत्र में क्या होता है कि आपका 59% डच भाषा बोलते हैं, मतलब डच भाषा बोलते हैं, ठीक है। और वेलिनिया इलाका में, ठीक है, वेलिनिया क्षेत्र में 40% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं। तो क्या समझा कि ये जो बेल्जियम है, बेल्जियम कंट्रीज में, वहाँ एक फ्लेमिश क्षेत्र है, क्या है, फ्लेमिश क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में 59% क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। और एक विलिनिया क्षेत्र है और इस विलिनिया इलाका में 40% क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं।
तो अभी तक आपने क्या देखा कि जो बेल्जियम है यह एक आपका यूरोपीय महाद्वीप का छोटा सा देश है, जो हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। दूसरी बात देखा कि यहाँ की आबादी जो है 1 करोड़ से ज्यादा है। तीसरी बात आपने ये देखा कि बेल्जियम समुदाय में यहाँ पर एक फ्लेसिस नाम की एरिया है या क्षेत्र है, जहाँ पर 59% जो है डच बोलते हैं, 59% जो है क्या डच भाषा बोलने वाले लोग हैं। और फिर आपका वेल्निया क्षेत्र में 40% जो है आपका दोस्तों फ्रेंच बोलने वाले हैं, और बचा हुआ 1% बात करें 59 और 40 तक कितना होगा, 99 तक बच गया परसेंट, मतलब 1। तो 1% दोस्तों जो शेष 1% है वो क्या बोलते हैं, जर्मन भाषा बोलते हैं। अब है क्या ये जो बेल्जियम है इसकी जो राजधानी है, जो कैपिटल है, इसकी जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है। क्या है दोस्तों, ब्रुसेल्स है इसकी राजधानी। कौन है, बेल्जियम की ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स राजधानी में 90% जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं राजधानी में। देखिए पूरा बेल्जियम समुदाय हो गया, और पूरे समुदाय में फ्लेमिश एरिया में 59% डच बोलते हैं, और बेल्जियम वेलिनिया क्षेत्र में 40%। मतलब पूरे आपका बेल्जियम में जो वेलिनिया क्षेत्र है उसमें आपका 40% बोलते हैं। और बेल्जियम की एक राजधानी है, जैसे मान लीजिए आपका कि आपका पूरा बेल्जियम हो गया और यहाँ पे इसका राजधानी हो गया ब्रुसेल्स, और पूरा इसमें तो यहाँ पर देखिए आपका जो है ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में हमने बताया क्या कि यहाँ पे जो राजधानी है, जैसे मान लीजिए भारत में क्या नई दिल्ली है, एक अलग पार्ट हो गया। तो है क्या कि 80% यहाँ फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 80% जो है वो क्या है फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, और 20% क्या है डच भाषा बोलने वाला है। मतलब डच जो है वो आपका देखिए मतलब यहाँ पर जो है राजधानियों में कम है, मतलब अल्पसंख्यक है। और आपका है क्या कि मतलब राजधानी में जो आपका है फ्रेंच बोलने वाले हैं क्या ज़्यादा है, लेकिन आपके क्षेत्रों में पूरा बेल्जियम में देखिएगा तो बेल्जियम में जो है डच बोलने वाले ज्यादा हैं और फ्रेंच बोलने वाले कम है। डच बोलने वाले क्या है ज्यादा है बेल्जियम में, और फ्रेंच बोलने वाले कम है। इसी प्रकार बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में डच बोलने वाले कम हैं और फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा है। लेकिन हमको जो बात करना पूरा बेल्जियम की बात करना है, बेल्जियम की राजधानी की बात नहीं। तो है क्या देखिए, हमने लिखा डच भी है फ्रेंच। तो हुआ क्या दोस्तों कि इस भाषा को लेकर कि हमारी भाषा की सरकार बनेगी, हमारी भाषा की फ्रेंच की भाषा की सरकार बनेगी, डच भाषा बनेगी, इसमें लेकर क्या हुआ कि लोगों में तनाव आ गया, लोगों में संघर्ष होने लगा, युद्ध का मामला होने लगा। तो ऐसे बीच में क्या हुआ कि दोनों के बीच में क्या हुआ 1960 में तनाव आ गया, संघर्ष हो गया, युद्ध जैसा होने लगा, लड़ाई होने लगी। इसके बाद क्या हुआ कि बेल्जियम के नेताओं ने थोड़ा दिमाग लगाया, सोचा, और सोचा कि मतलब क्या करते हैं कि दोनों की बात मानेंगे, डच की भी बात मानेंगे और फ्रेंच की भी बात मानेंगे, और इसी को बोलते हैं साझेदारी, मतलब दोनों से साझा करेंगे, समझे ना जी, दोनों की बात मानकर दोनों की काम करेंगे। उसने क्या किया कि बेल्जियम के नेताओं ने समझदारी दिखाई और सभी लोगों की भाषा को सम्मान दिया, मतलब डच का भी हम सम्मान करते हैं और फ्रेंच भाषी को भी सम्मान करते हैं, दोनों की समान करते हैं, जैसे इंडिया में सभी धर्मों का समान किया जाता है। और 1970 से लेकर 1993 में 4 बार संविधान में संशोधन किया गया। तो है क्या कि 1970 से 1993 में कितना बार संविधान का संशोधन किया गया बेल्जियम के संविधान में, तो 4 बार संविधान में संशोधन किया गया, मतलब संविधान में मॉडिफाई किया गया। जब डच ने कहा कि नहीं ऐसा परिवर्तन लाइए तो ऐसा परिवर्तन ला दिया, जब आपका है क्या फ्रेंच ने कहा कि इस तरह का परिवर्तन लाइए तो इस तरह का परिवर्तन ला दिया। और यहाँ ही नहीं बल्कि इसके अलावा और भी कहा क्या किया कि केंद्र सरकार में जब केंद्र सरकार बनी तो वहां से डच भाषा बोलने वाले लोग को और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या को समान रखा गया। मतलब 10 मान लीजिए डच भाषा वाले लोग हैं तो 10 क्या फ्रेंच भाषा वाला रहेंगे, अगर 20 फ्रेंच भाषा वाले लोग केंद्र सरकार में हैं तो 20 जो है डच भाषा बोलने वाला भी सरकार आपका होगी केंद्र सरकार में रहेगी, और दोनों की बातें को माना जाएगा और दोनों की बातों को मिलकर जो है जो भी फैसला लिया जाएगा किया जाएगा और आगे की कामें की जाएगी। अब है क्या कि बेल्जियम में क्या हुआ कि शक्ति का भी बंटवारा किया गया। शक्ति का बंटवारा 2 तरह से किया गया, एक देश और एक राज्य में। देश में केंद्र सरकार देखेगी और राज्य में राज्य सरकार देखेगी।
देश को आगे बढ़ाने का केंद्र सरकार का जिम्मा रहेगा और राज्य को आगे बढ़ाने का राज्य सरकार की जिम्मा होगा। इसके अलावा भी तीसरा था स्थानीय सरकार, जो स्थानीय इलाकों को आगे बढ़ाने में मदद करे, मतलब ग्राम पंचायत को क्या बढ़ाने में मदद करेगा। दोस्तों चलिए मैं आपको बेल्जियम की जो बात है आपका है क्या कि यहाँ पर आपने देखा कि सत्ता में सुधारी हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि तनाव ना हो, घटना ना, ज्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए क्या किया गया बेल्जियम में जो है सत्ता की सुधारी को किया गया। और तो फिर से एक बार सुनिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने आपको बताया क्या कि बेल्जियम जो है वो क्या है, तो यूरोपीय महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जो हरियाणा राज्य से भी छोटा है। यहाँ की जो आबादी है 1 करोड़ से भी ज्यादा है और एक फिलीपींस क्षेत्र है जिसे 59% डच भाषी बोलते हैं और एक वेल्निया क्षेत्र है जिसमें 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और शेष 1% जर्मन भाषी है। ब्रसेल्स की राजधानी जो है, बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रसेल्स है। यहाँ पे 80% जो लोग हैं फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो लोग हैं डच बोलते हैं। यानी कि डच जो है वो आपका देखिए बहुसंख्यक है, मतलब इनकी संख्या क्या है ज़्यादा है, मतलब भाषा के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, किसी भी आधार पर लोगों की संख्या ज़्यादा होती है तो उसे बहुसंख्यक कहते हैं। जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर किसी भी लोगों की संख्या ज़्यादा होती है तो उसे क्या कहते हैं, बहुसंख्यक कहा जाता है। अब अल्पसंख्यक की बात करें तो है क्या उसी प्रकार जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर उनकी संख्या, लोगों की संख्या कम होती है तो उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। अब यहाँ पर जो डच लोग थे वो बहुसंख्यक थे लेकिन ये समृद्ध नहीं थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और जो फ्रेंच थे ये कम अल्पसंख्यक थे, मतलब 40% थे, अल्पसंख्यक थे पूरे बेल्जियम में, ठीक है, लेकिन ये समृद्ध थे और शिक्षित थे, पावरफुल थे, ठीक है। और बीच में फिर बाद में दोनों में के बीच में क्या आती है 1960 में तनाव आ जाता है भाषा को लेकर, किसको लेकर, भाषा को लेकर तनाव में आ जाता है। उसके बाद बेल्जियम के नेताओं ने देखा कि तनाव ज़्यादा हो रहा है, युद्ध होने वाला है, तो उन्हें समझदारी दिखाई और नेताओं ने क्या किया कि सभी भाषाओं को समान दिया और वहाँ पर क्या किया कि 1970 से लेकर 1993 में, 1970 से 1993 में अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया, कितना बार संशोधन किया, 4 बार संशोधन किया। और उसके बाद केंद्र सरकार जब बनाई तो वहाँ पे डच भाषा बोलने वाले को और फ्रेंच भाषा बोलने वाले को दोनों लोगों से समान डाल लिया, मतलब अगर 10 केंद्र सरकार में डच वाले हैं तो 10 जो है फ्रेंच वाले भी, बोलने वाले भी रहेंगे और दोनों की सहमति से कोई कानून को मनाया जाएगा। फिर एक शक्ति का भी बंटवारा जो है 2 भागों में किया गया, एक केंद्र के लिए और एक देश के में, और दोस्तों क्या, एक राज्य में, देश में क्यों है जो केंद्र सरकार संभालेगी और राज्य में राज्य सरकार संभालेगी। इसके अलावा भी तीसरा जो है स्थानीय सरकार को भी बनाया गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बेल्जियम की ये जो समुदाय है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे सत्ता की सरदारी भी आपको समझ में आया होगा, सत्ता सरदारी क्यों जरूरी है, कि अगर सत्ता की सरदारी नहीं होगी दोस्तों तो उस देश में क्या होगा, झगड़ा की भाषा के लेकर लड़ाई होने लगेंगे, धर्म के लेकर लड़ाई होने लगेंगे, जाति को लेकर लड़ाई होने लगेंगे, और इसी लड़ाई को कम करने के लिए, इसे नहीं होने के लिए सत्ता की सरदारी होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो जो भी अगर नेता बनते हैं तो उन्हें धर्म के नाम पर वोट नहीं दीजिए, धर्म जाति के नाम पर वोट नहीं दीजिए, बल्कि आप खुद साक्षर हो जाए, मतलब पढ़िए, अच्छे से लिखिए और हौसला रखिए कि आगे चलकर मतलब कुछ अच्छा करना है अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए और साथ ही देश के लिए अच्छा करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।